हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त वैष्णव। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हाउ टू ड्रॉ टायरानोसॉरस रेक्स डोमिनेटिंग कार्नोटोरस। जब वो हरा ही देते हैं कार्नोटोरस को, पर वो हारता नहीं है कार्नोटोरस। उसी टाइप में जब वो उसके ऊपर पैर रखता है, उस सीन का पिक्चर आज मैं आपको हाउ टू बनाने का बताऊंगा। तो ये एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हिट करवा दिए हैं। मुझे 120 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए मैं आपको इसके थिंग्स में बता देता हूँ। आपको कुछ पेंसिल्स चाहिए, आपको पता ही है। एक पेंसिल आपको ज़्यादा शॉर्प ना हुए वाला पेंसिल लेना है, और दूसरा आपको अच्छे से शॉर्प करना है। अगर आप ये जो डॉम्स का सुपर डार्क पेंसिल है, ये जो यहाँ डिजाइन होते हैं, आप ये पेंसिल लोगे तो उतना अच्छा। और फिर ये आपको शेडिंग करने के लिए शेडिंग। तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइज, हम कुछ आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है पेज, ना कि वर्टिकल। और उसके बाद अब हम टीरेक्स का मुंह से स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह अंडे का शेप, ठीक है। और उसके बाद यहां से कुछ इस तरह, कुछ जॉइनिंग जैसा है। ये है टीरेक्स का सर। अभी थोड़ा और मोटा बनाइएगा यहाँ। अब देख रहे हो गाइस, अगर ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं है तो सॉरी, मुझे लगता है स्क्रीन पे विजिबल है। गाइस ये है हमारा टीरेक्स का स्ट्रक्चर, और एक और पैर है यहाँ हमारा, और फिर यह कार्नोटोरस होगा। कार्नोटोरस यहाँ ऐसे लेटा पड़ा, जिस तरह से होगा कार्नोटोरस का व्यू। और उसके बाद हम यहाँ एक इंसान बनाएंगे, कुछ इस तरह से रुका हुआ। ये तो बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इंसान बनाना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिटा भी सकते हो। और यह एक बड़ा सा पत्थर नहीं था वो, शायद से कैप्सूल है जो उसके अंदर लोग बैठे थे जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में। तो हम ये जो गाइडलाइंस बनाई थी, हम उसे मिटा देंगे, और फिर कुछ इस तरह की लाइंस बनाएंगे गाइस। ये है इसकी मसल्स, इसकी मसल्स दिख रही है कुछ इस तरह से आपको बनानी है। उसके बाद अपनी शेडिंग पेंसिल से हल्की सी शेडिंग भी कर दीजिएगा। अगर आपने HB पेंसिल शेडिंग के लिए लिए है तो बेस्ट है, क्योंकि वो शेडिंग के लिए ही बनती है, वो शेडिंग के लिए बहुत बेस्ट होती है। सो गाइस, मुझसे यार थोड़ी गलती होगी, मैंने ये कुछ ज़्यादा बाहर बना दिया। हमें थोड़ा सा और अंदर बनाना था, क्योंकि हमें वहाँ और भी चीज़ें बनानी थी। सो गाइस, मैं ये एक रेफरेंस इमेज देख के बना रहा हूँ। आपको कुछ इस तरह का बनाना है। यह टीरक्स का मसल पैर का, कुछ इस तरह से आपको बनाना है। स्मॉलर बिगर कोई भी शेप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना करिए। हमें बस टीरक्स का ये जो वो स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। इसकी टेल पूरी विजिबल तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पेज में इतनी ही जगह है। और अब हम यहाँ से कुछ और बनाएंगे ऐसे ही, और फिर एक ऐसी लाइन से इसे ज्वाइन कर देंगे। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा बना रहा हूँ, अब देख सकते हो ये है इसका बोन जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए हम इसे जरा सा ऐसे बनाएंगे गाइस। और उसके बाद हम यहाँ एक सीधा सा लाइन बना के कुछ इस तरह से शेडिंग करेंगे, अब देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको बस लाइन बनानी है। और उसके बाद गाइस, अब हम
इसकी शेप को थोड़ा मिटाएंगे और फिर जरा सा ऐसे करेंगे और फिर अपनी पेंसिल से यहाँ डार्कली अच्छे से ऐसे करना है आपको, बस ऐसे ही स्केच बनाना है आपको। इस उम्मीद है आपको ये बहुत आसान होगा, वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस ये। आप देख रहे हो, अगर आपका पेज मेरे से भी बड़ा होगा तो आप पूरी टेल भी बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से। अब हम यहाँ इसे हल्की सी इसकी साइज कम कर देंगे और आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरह से करेंगे और सेम जो यहाँ हमने किया था वो लाइटली हमें ऊपर भी करना है लाइन जैसा, बस ऐसे आपको शेड करना है ये। बस भाई इसकी तीन लाइंस है यहाँ, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर मैंने आपको ये इसकी तीन लाइन बनाते बनाते कंफ्यूज कर दिया तो आई एम सो सॉरी। और गाइस सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप कोरोना वायरस के स्प्रेड से आप बचिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वायरस है, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ और शेडिंग करेंगे, तो ये हमारी पूछ कंप्लीट होने ही वाली है, क्योंकि टीरेक्स में भाई बहुत मसल्स डिटेल सब होती है ना, इसलिए थोड़ी मुश्किल आती है। अब हम अच्छे से अपनी इस पेंसिल से या शेडिंग करेंगे, देख रहे हो। अब हमने ये जो लाइन बनाई थी हम उसके सराउंडिंग में हल्की सी शेड करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो। और उसके बाद हमने जो ये बनाई थी उसे भी हम कुछ इस तरह से शेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो हमने ये बनाई थी एक और बम मिटाना है उसका एक्चुअल शेप मिलने के लिए। अगर आपको पहले वाला शेप ही पसंद था तो आप वैसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ से हल्का से एक लाइन बनाएंगे मसल स्ट्रक्चर के लिए। अब हम इसका नी बनाएंगे यहाँ से, उससे पहले हम इसे हल्का सा ऐसे ऐसे मसल्स दिखाएंगे। ऐसा बात है बहुत ट्रिकी पोर्शन, ये पोर्शन भाई आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। अब हमें इसका नी बनाना है, मेरे लिए भी थोड़ा ट्रिकी हो रहा है पर कोई नहीं, हम बना लेंगे। ये है इसका पैर और उसके बाद हम यहाँ से भी कुछ इस तरह का लाइन बनाएंगे और उसका नी स्ट्रक्चर बना लिया है। अपनी ऐसे वहाँ की ओर देख रहा है ना, इसलिए कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। ये मैंने कुछ ज़्यादा बाहर बना दिया हल्का सा और अंदर। गाइस अब हमने देखा, अब आपको यहाँ नी का ये जो स्ट्रक्चर है हल्का सा बनाना है। अब हम शेडिंग पेंसिल लेंगे और इसके आसपास शेडिंग कर देंगे जैसे हमने यहाँ किया था, हम यहाँ भी हल्के हल्के शेडिंग कर देंगे जिससे अच्छा लगेगा। हम यहाँ भी हल्की सी शेडिंग कर लेते हैं इसकी नी पोर्शन में। सो गाइज अगर आपको, आप एक गॉडज़िला फैन हैं और आपको गॉडज़िला बनाना पसंद है तो आप मेरी एंड स्क्रीन तक आप देखिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक हाउ टू ड्रॉ गॉडज़िला डिफीटिंग गिडोरा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उम्मीद आपको वो यूजफुल होगी। अब हम कुछ इस तरह का शेप बनाएंगे, कर्ली कर्ली सा शेप, वो है इसका नाखून। इसका नाखून या थोड़ा ट्रिकी है, उस लाइन को ऐसे रहने दो और फिर हम इसके बीच में एक बड़ा सा लाइन बनाएंगे।
सो गाइस आपको ये यहाँ बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, तो हम जरा इस स्ट्रक्चर को मिटा देंगे क्योंकि ये मोटा बन गया हल्का सा। अब हम यहाँ की ओर थोड़ा ऐसे बनाएंगे इस तरह से। आई एम सो सॉरी एक और बार रब करने के लिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोग ये देख के बना सके। सो गाइस अगर आप पहली बार कोशिश में ये बना नहीं पाए तो बिल्कुल घबराइए ना, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस करिए तभी सक्सेस मिलता है। तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है। अब हम यहाँ कुछ ऐसे ऐसे लाइन बनाएंगे और फिर ये जो लाइन्स है हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे और फिर यहाँ हल्के से अपनी इस वाली पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो इस पैर के पोर्शन के लिए लग गए हैं लगभग 10-11 मिनट। अब हम इसके बीच में से एक बड़ा सा मोटा सा थिक सा लाइन बनाएंगे और फिर उंगलियां बनाएंगे, आप देख सकते हो। और इसी जगह पे भी हमें कुछ इस तरह से ही बनाना है, आप देख सकते हैं इस तरह। यहाँ थोड़ा सा और मोटा बनेगा क्योंकि उसका दूसरा टो है। अब हम जरा ऐसे बनाएंगे और गाइस उसके बाद अब हम इसका नाखून भी बना लेंगे। तो अब हम कुछ इस तरह से करेंगे, अब हम इसका नाखून बनाएंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, ये देख सकते हो आप ये चिल्ला रहा है इसलिए कुछ इस तरह का आ रहा है व्यू। इसलिए मैं यहाँ हल्की सी शेडिंग करूँगा। शेडिंग ऐसे आप क्या बोलते हैं जो आप ड्रॉ करते हो आप वैसे ही करिएगा। जब आप चाहे तो इसकी नाखून में भी शेड कर सकते हो, शैडो की शैडो जहाँ की ओर दिखेगी। अब हम इसके नीचे लैंड बनाएंगे। तो अगर आपको सो गाइस सॉरी थोड़ी आवाज़ आ गई थी बीच में, तो अब हम इसका दूसरा पोर्शन पे ध्यान देंगे। तो लेग पोर्शन ओवर हो चुका है। सो गाइस अगर आपको ब्लेंडिंग टेक्निक आती है, शायद से मैंने पहले कहा था वीडियो में, एक और बार कह देता हूँ, अगर आपको ब्लेंडिंग टेक्निक आती है तो आप ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ करके अच्छे से ऐसे ऐसे करके आप उसे और भी रियलिस्टिक बना सकते हो। तो यहाँ का भी थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है, इस वीडियो में पूरी की पूरी मसल्स दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ अच्छे से ऐसे शेड कर दूंगा। अब गाइस हमें यहाँ एक छोटा सा आम है ना इसका, वो बनाना है। उससे पहले मैं यहाँ मिटा दूंगा हल्का सा कुछ इस तरह से गाइस, उसके बाद इसे यहाँ करके ऐसे कर दूंगा। उसके बीच में हल्की सी लाइन छोड़ देंगे, इसका आर्म है। ऐसे करने के बाद अब आपको सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, अब हम इसका आर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से गाइस। इसका आर्म हम रबर लेते हैं जरा हल्का सा मिटाएंगे और अब हम इसका टो बनाएंगे, तो मतलब इसकी उंगलियां कुछ इस तरह से होगी और ये पूरी ऊपर की ओर देख रही होगी और फिर ये जो यहाँ से इसकी दूसरी जो उंगली की है उसकी वो। अब हम इसके हाथ में भी बहुत मसल्स दिखाएंगे और अच्छे से इसे डार्क बना देंगे।
इस वीडियो में इसकी बहुत ज़्यादा मसल्स दिखा रहे हैं गाइस। अब हम इसकी हर एक जो हमने बनाया था जरा थोड़ा डार्कर बना दीजिएगा। तो गाइस मैं चाहे तो ये फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे मैं जब यूट्यूब में वीडियो देख कर ड्राॅइंग बनाता हूँ, कभी कभार वीडियो भी देख लेता हूँ, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आती है जब लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो लोग इसलिए करते गाइस क्योंकि ताकि उनकी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, जैसे कि मेरी वीडियो भी लंबी हो सकती है अभी बहुत, पर मैं जितना हो सके उतना कम लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि गाइस जब बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं ऐसे इतनी देर ले देख के। अगर जैसे YouTube में कोई टॉपिक दे रहा है 5 मिनट में T-Rex बना दो यही वाला, तो सारे लोग जाके वो देखने लगेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो गाइस आप इस वीडियो में कमेंट करना कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बातें करूं, और फिर आपको अगर ऐसी ट्यूटोरियल्स चाहिए डायनोसॉर्स या फिर गॉडज़िला या फिर और भी एनिमल्स, तो आप प्लीज़ कमेंट में रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बना लूँगा। अगर आपको और भी ऐसे डायनोसॉर्स बनाने हैं तो आप लिख दीजिएगा डायनोसॉर्स। अब बस होने वाला है हमारा, मतलब ये जो डार्कर कर रहे थे हम, बस हो चुका है गाइस हमारा डार्कर करने वाला काम। अब हम करेंगे कि ये जो इसकी यहाँ जगह है वहाँ भी हम अच्छे से ऐसे शेड कर देंगे शेडिंग से गाइस, क्योंकि इसके वो एक रियलिस्टिक लुक मिलता है और डार्किंग से भी। और फिर हम इस पेंसिल से ही कुछ इस तरह से डार्क करेंगे हम। सो गाइस ये वैसे तो बहुत बड़ा ड्राइंग है, पूरे पेज को कवर कर सकता है, इसलिए मैं जितना हो सके क्या कहते हैं उसे, हाँ जितना हो सके पेज में फिट हो सके उतना बनाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ से अच्छे से डार्क कर लूंगा गाइस, और फिर अब हम इसके ऊपर से भी लाइंस बनाने लगेंगे कुछ इस तरह से गाइस, आप देख सकते हो। सो गाइस अगर बाहर से आवाज आ रही है तो प्लीज सॉरी। हमें स्पाइनोसोरस का कुछ डिजाइन जैसा बनाना है ये, क्योंकि ये उसका पेट का हिस्सा है मेरे हिसाब से। तो गाइस मैं कुछ ही दिनों में इस वीडियो का पार्ट 2 डालूंगा, सरप्राइज हो गए होंगे। हाँ जी, क्योंकि मैं आज सिर्फ पार्ट 1 ही दिखा रहा हूँ, और कुछ ही दिनों में मैं आपको पार्ट 2 भी दिखाऊंगा। से पूरा यहाँ तक बना देंगे हम। अब गाइस अच्छी शेडिंग्स हो रही है, हम ये जो बीच में अनवांटेड लाइंस थे ना हमारे वो मिटा देते हैं, मिटा गए। अब मैं यहाँ से वो जो लाइन है उसे कंटिन्यू करके इसका दूसरा हाथ भी बनाऊंगा कुछ इस तरह से। ये ज़्यादा विजिबल नहीं है वैसे, और इसे इसमें अच्छे से ऐसे शेड कर देंगे ताकि ज़्यादा कुछ विजिबल नहीं है कि बहुत छोटा सा हाथ है। वैसे टायरानोसोरस का बहुत छोटा हाथ ही होता है। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो समझ आ रही होगी। इसे अब हम अच्छे से यहाँ शेडिंग कर लेंगे, और उसके बीच में भी हम लाइंस बना देंगे।
अब गाइस हमें ये जो यहाँ है, हमें यहाँ कुछ इस तरह से लाइंस बनाने हैं फिर से शेडिंग के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो अभी कि ये लगभग अच्छा लग रहा है वैसे तो। अब हम यहाँ ऐसे क्रॉस लाइंस बनाएंगे ताकि और भी रियलिस्टिक लगे। अब इसके बाद गाइस हमें यहाँ से ये जो लाइन है कुछ इस तरह से बनानी है। सो गाइस ये था हमारी टी रेक्स डोमिनेटिंग कार्नोटोरस का पार्ट 1। अब मैं कुछ ही दिन में अपलोड करूंगा इसका पार्ट 2। तो गाइज अभी मैंने कैमरा में देखा तो ये लगभग 21 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जैसे मैंने पहले कहा था, बाय।